अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टेक्निकल एजी यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे डी स्क्वायर डिवाइड बाई 162.28, ये हमने कहाँ से लिया है, 162.28 कहाँ से आया है ये जानेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला बेसिक है, ये फार्मूला है हमारा यूनिट वेट निकालने के लिए स्टील का, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखते हैं इसको, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसका, ये हमारे पास आया उसके लिए एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। एरिया ऑफ स्टील बराबर होता है पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो इसको हम वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक। वॉल्यूम निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ से, ठीक है। तो इसका हम वेट वेट मालूम करने के लिए, हमें मालूम है वेट मालूम करने के लिए, वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो हमें मालूम है स्टील का जो डेंसिटी है उसका 7850 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर होता है 1000 mm के, ठीक है। तो देखें यहाँ हमने पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ऐसे ही रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने लेंथ की जगह में हमने 1 मीटर के लिए, हम तो 1 मीटर हमारे पास होता है एमएम में ले रहे हैं, ठीक है। 1000 mm लिखा, 1 मीटर के जगह में, तो मल्टीप्लाई किया 7850 जो कि डेंसिटी था केजी पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब को ख़त्म करने के लिए 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो ये 1000 का क्यूब बनता है, ठीक है। तो 1000 यहाँ से कट गया, ठीक है। तो हमारे पास बाकी बचता है पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई, इनको डिवाइड करना है, ठीक है। 7850 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमने इसको मज़ीद क्या करेंगे, पाई पाई की कीमत हमें मालूम है, या आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, पाई डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 0.785 आया, ठीक है। डी स्क्वायर ऐसे ही मल्टीप्लाइड बाई ये वैल्यू ऐसे ही, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है। इसको हम बटे में लिखेंगे, ठीक है। डी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 0.006122, ठीक है। तो आप डी स्क्वायर तो ऐसे ही रखो, 1 डिवाइड बाई 0.006122 करेंगे तो हमारे पास 162.279 आएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा डी स्क्वायर डिवाइड बाई 162.279, बेसिकली ये है, हम 2 ही लिखते हैं फार्मूले में, ठीक है। तो इस तरह आता है केजी पर मीटर क्यूब के लिए। तो अगर हमें केजी पर फिट के लिए हमें चाहिए, तो हम जस्ट क्या करेंगे, डी स्क्वायर डिवाइड बाई 162.28 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.28 फीट होता है, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, डी स्क्वायर डिवाइड बाई 532.2 केजी पर फीट। इस तरह हम यूनिट वेट निकालेंगे स्टील का, ठीक है। तो उसका कट लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टोटल लेंथ आएगा, ये वगैरह सिस्टम आगे हमारा BBS कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टेक्निकल एजू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।